पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत शहर भर में लगाए गए 3600 सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। कई अपराधी पकड़े गए, आने वाले समय में तकनीक के माध्यम से अपराध को नियंत्रित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं अपितु सीसीटीवी की मदद से यातायात सुगम बनाने और प्राकृतिक आपदा के दौरान तत्काल मदद पहुंचाने में मदद मिलती है। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से अमल में लाए गए नागपुर सेफ एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा सोमवार को पुलिस आयुक्त ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे शहर पुलिस के लिए अब तक कई मौके पर मददगार साबित हुए। हमने इसके जरिए अपराधियों को भी पकड़ा है। कुछ मामलों की जानकारी भी उन्होंने दी। पुलिस आयुक्त ने VMS के माध्यम से यातायात पुलिस को जनजागृति करने के लिए निर्देश दिए। पुलिस नियंत्रण कक्ष के पास सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्य की समीक्षा भी की। उन्होंने नवंबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरो ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनील चलारी, दिलीप झलके, एनडी रेड्डी, पुलिस उपायुक्त विक्रम साड़ी, विवेक मसाल, राहुल माकनीकर, गजानन राजमाने, श्वेता खेड़कर आदि उपस्थित थे। बैठक के बाद पुलिस आयुक्त अधिकारियों के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सिटी ऑपरेशन सेंटर का भी मुआयना करने पहुंचे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपड़गड़े के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBC न्यूज़ नागपुर।